नमस्कार, निशा राठौर किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू मटर की सूखी सब्जी बनाएंगे। इसे बच्चों के टिफिन या सफर में रख सकते हैं। ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो आलू मटर की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम आलू, जिसे हमने काट के धो के इस तरह से रखा है। हमें इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काटना है। 200 ग्राम मटर के दाने, यहाँ पे हमने फ्रेश मटर का यूज किया है। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 कटोरी लहसुन प्याज बारीक कटे हुए, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और इसे बनाने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। ऑयल अपने पसंद के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे कुकर रखेंगे। कुकर को हल्का सा गर्म होने देते हैं। हमारा कुकर हल्का गर्म हो चुका है। हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा थोड़ा सा भुन चुका है। और भी हम बारीक चॉप की हुई लहसुन और प्याज डाल देंगे। लहसुन प्याज हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। कसूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले हमारे भून चुके हैं, तो इसमें मटर भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा मसालों के साथ भून लेंगे। आलू भी इसमें मिक्स कर देंगे। दो मिनट तक इसी तरह से मसालों के साथ आलू मटर को भून लेंगे। सब्जी हमारी थोड़ी सी भून चुकी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप पानी का यूज किया है। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं, इसका प्रेशर भी खत्म हो गया है। सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है और इसका सारा पानी भी खत्म हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे। हमारी हरी मटर की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे पूरी, पराठा, चपाती या चावल के साथ खाइए और अपने अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।